Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Today, students, we will learn about the concept principal focus of spherical mirrors. Spherical mirrors se related ek point hota hai principal focus. Uske baare mein aaj hum padhenge. Theek hai? Spherical mirrors kaun se hain? Concave mirror and convex mirror. Inke alag alag tarike se hum dekhenge principal focus hota kya hai. Pehle concave mirror. A number of rays parallel to the principal axis are incident on a concave mirror. पहली कंडीशन है जो हम लाइट रेज इंसिडेंट करा रहे हैं कॉनकेव मिरर पे वो कैसी लाइट रेज है पैरेलल लाइट रेज है ये पैरेलल लाइट रेज कहां से मिलेंगी हमें मालूम है कि इंफिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज है उसको हम पैरेलल लाइट रेज मानते हैं ठीक है किसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ये जो पैरेलल लाइट रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो जब कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होंगी तो वो कॉनकेव मिरर उन्हें रिफ्लेक्ट कर देगा और ये सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करेंगी ये पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर आप इमेज में देख सकते हो ये है कॉनकेव मिरर ठीक है सारी लाइट रेज जो पैरेलल है वो आई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हुई कॉनकेव मिरर ने उनको रिफ्लेक्ट कर दिया और ये सारी लाइट रेज जो है एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं वो कौन सा पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस है ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर ओके नाउ कॉन्वेक्स मिरर A number of rays parallel to the principal axis are incident on a convex mirror. यहां भी हम parallel light rays को incident करा रहे हैं convex mirror पे. The rays after reflection from the mirror appear to come from a point on the principal axis of the mirror. यहां पे जो light rays reflect होने के बाद किसी एक point पे जाके meet नहीं करेंगी. बल्कि ऐसा लगेगा किसी point से निकल रही हैं. सारी light rays एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहे ठीक है दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आप इमेज में देखो ये है कॉन्वेक्स मिरर ठीक है सारी पैरेलल लाइट रेज आई वो रिफ्लेक्ट हो गई आउटवर्ड्स और सारी लाइट रेज ऐसा लगेगा किसी एक पॉइंट से निकल रही है वो कौन सा पॉइंट है वो ये पॉइंट है F. इस F से निकलती हुई सारी लाइट रेज नजर आएंगी तो उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो कॉनकेव मिरर केस में सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट में मीट करती हैं, कन्वर्ज होती हैं, वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस और कॉन्वेक्स के केस में सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा निकल रही है एक पॉइंट आउटवर्ड इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना भी वो पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ठीक है इसको और थोड़ा क्लियरली हम देखते हैं इमेज में पहले कॉनकेव मिरर के केस में ये देखिए ये पैरेलल लाइट रे पहले आई ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई देन सेकेंड लाइट रे आई ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे सारी जितनी लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है वो कौन सा पॉइंट है देखो आप कौन सा पॉइंट है वो F पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर ठीक है इसी तरह से हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में ये पहली पैरेलल लाइट रे आई ये रिफ्लेक्ट हो गई ऊपर की तरफ देन ये सेकेंड लाइट रे आई ये रिफ्लेक्ट हो गई और भी लाइट रेज देख लेते हैं ये लाइट रे आई ये रिफ्लेक्ट हो गई तो ये सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से निकल रही है ये देखो किस पॉइंट से निकल रही है इस पॉइंट से कौन सा पॉइंट है वो
पॉइंट F, जो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस तरह से हमको प्रिंसिपल फोकस मिलता है। फर्दर, द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर F, ये तो क्लियर है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। जो प्रिंसिपल फोकस हमको मिल गया और जो पोल हमें पता है मिरर का होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है फोकल लेंथ। इसमें अगर आप देखो तो ये जो डिस्टेंस है P से लेके F, ये कहलाएगी क्या, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर F, स्मॉल F से रिलेट करेंगे किसको, फोकल लेंथ को। तो अगर इस इमेज में आप देखो तो F पॉइंट और P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी फोकल लेंथ, ये F से लेके P तक की डिस्टेंस। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर केस में भी P से लेके F तक की डिस्टेंस जो है वो कहलाएगी फोकल लेंथ। एक खास बात और है, अगर जो मिरर है, फॉर स्फेरिकल मिरर हूज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस इमेज में आप देख सकते हो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो डायमीटर बनाया है हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये कहलाता है अपर्चर। ठीक है, ये अपर्चर की जो वैल्यू है इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर स्मॉल है, उस केस में क्या होता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, वो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का डबल होगा। इन अदर वर्ड, फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा। ये रिलेशन है R इक्वल टू 2F, रेडियस फोकल लेंथ का क्या है, डबल होगा। लेकिन हर केस में नहीं, ये हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपर्चर को हम स्मॉलर मानते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर अपर्चर के लिए ये कंडीशन है कि R और F के बीच में रिलेशन होगा, रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इसका मतलब ये भी है, दिस इंप्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं होगा, मिडवे होगा। ठीक है, मतलब अगर ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, तो फोकस की जो डिस्टेंस या पॉइंट होगा वो इन दोनों के बीच होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल फोकस पे था। क्या है प्रिंसिपल फोकस, जहां पे पैरेलल लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट होती है या अपीयर होता है कि वहां से निकल रही, वो पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस।